लेकिन देखो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखो आप ऐसा जो है ना यूज कर सकते हो, यानी द आप जो हो इसके साथ लगा सकते हो क्योंकि एस इसके साथ आ गया। फिर द फिलीपींस देखो, उसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द मालदीव्स है तो इनके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। उसके सिवा इसका जो यूज है वो ये कि कैपिटलाइजेशन में, देखो पंक्चुएशन मार्क है ना, कैपिटलाइजेशन, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल या फंक्शन है कि ये सेंटेंस में जिधर भी यूज होगा वो कैपिटल हो जाएगा, इस्तेमाल इसका कैपिटल होगा, हम कैपिटल के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने वो कंट्रीज वाले नाम बताए, कंट्रीज के सिवा जो द लगेगा वो जो वाटर से रिलेटेड वर्ड्स हो, माना जो रिवर्स हो, कैनल्स हो, ठीक है, या सीज, ओशियंस हो, आइलैंड्स हो, माना उन सब के नामों के साथ, नामों के साथ देखो, माना उनका नाम हो, जिस किसी आइलैंड का नाम हो, कैनल का नाम हो, सी का नाम हो, तो हम द लगाएंगे। अच्छा, लेक का अगर नाम आ जाए तो नहीं लगाएंगे, मैंने आपको कहा था, मतलब ये एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, तो आप नहीं लगेंगे। माउंटेन्स के नामों के साथ लगेगा, लेकिन वो माउंटेन्स जो रेंज या सीरीज शो करे, मतलब जो फैले हुए हो, स्प्रेड हो वाइडली, मतलब दुनिया के अंदर, तो उनके साथ हम द लगेंगे। जैसे हिमालय एक ऐसा माउंटेन है जो मतलब स्प्रेड है अक्रॉस द वर्ल्ड या अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इन सब कॉन्टिनेंट, हाँ ठीक है ना, तो उनमें देखो हम द लगाएंगे, द हिमालयाज, द अल्प्स, लेकिन माउंट एवरेस्ट नहीं है, वो एक माउंट की तरह है, तो उसके साथ द नहीं लगेगा। तो ये चीजें जो है वो आप प्लीज ध्यान में रखना। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक नाउन के हवाले से, और उसका नाम है कॉमन नाउन, ठीक है बेटा। आज जो हम सेकेंड टॉपिक नाउन में डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन नाउन। तो अब आपका प्रॉपर नाउन के अंदर कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह फिर वापस जब कोई प्रैक्टिस टेस्ट आपसे लेंगे प्रॉपर नाउन में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके थ्रू, यानी एमसीक्यूज के थ्रू, फिर उसको भी हम रिजोल्व कर लेंगे। कहीं भी आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। देखो, अब हमने इधर जो टॉपिक का नाम लिखा है वो कॉमन नाउन है बेटा। देखो, कॉमन नाउन के अंदर क्या होता है, कॉमन नाउन के अंदर इसकी जो कैटेगरीज होती है, एक इसका देखो सिंगुलर होता है, देखो एक जो इसकी कैटेगरी होती है वो सिंगुलर नाउन्स में आते हैं, ठीक है, और दूसरी जो कैटेगरी होती है इसके अंदर वो होते हैं ये प्लूरल नाउन्स। एक इनकी कैटेगरी में सिंगुलर नाउन्स आते हैं और दूसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर देखो ये नहीं प्लूरल नाउन्स आते हैं। अब सबसे पहले हम सिंगुलर नाउन्स के बारे में आपको बताएंगे, माना यूज आपको बताएंगे। अच्छा देखो, कॉमन नाउन है ना, तो कॉमन है, हर जगह होता है, तो इसीलिए वो देखो प्लूरल भी हो गया, इसमें देखो प्लूरल भी हो गया। प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं होता क्योंकि वो होता ही एक है, कोई उसका दूसरा देखो सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, उसका कोई नेमल बदल भी नहीं है, तो प्रॉपर नाउन प्लूरल नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने एक एमसीक्यू टेस्ट करवाई जिसमें तकरीबन कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, बेसिक आपसे पूछा था कि देखो ये फीचर्स हैं, ये फंक्शन है प्रॉपर नाउन्स का, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो अब हमने देखो एक एडिशन किया है, वो ये किया है कि सिंगुलर नाउन के साथ हमने इधर सेकंड प्लूरल नाउन दे दिया है, तो ये कॉमन नाउन में होता है, प्रॉपर नाउन में नहीं होता। ये बेसिक एक डिफरेंस ये, यानी प्रॉपर और कॉमन में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके देखो सिंगुलर भी है और इसके प्लूरल भी है, एक ये डिफरेंस हुआ। फिर देखो, अब हम पहले थोड़ा सिंगुलर नाउन्स को देखते हैं, सिंगुलर नाउन्स के फीचर्स, इसके यूजेस, या ये किस तरीके से मतलब सेंटेंस में बिहेव करता है, इसका यूज किस तरीके से होता है, इसको हम देखते हैं। बहुत आसान है बेटा, देखो जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, सबसे पहले देखो हमें आसानी हो रही है कौन सी, कि नाम ही सिंगुलर है, जब नाम इसका सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर कैरी करता है, देखो ये वर्ब सिंगुलर कैरी करता है प्रॉपर नाउन की तरह, मतलब हमने लिख लिया भाई सिंगुलर है, ठीक है ना, तो सिंगुलर नाउन है। देखे मिसाल के तौर पर कंप्यूटर है आपके पास, अब कंप्यूटर हमने एग्जाम्पल दिया, कंप्यूटर सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है, कंप्यूटर सिंगुलर नाउन हो गया। बोर्ड देखो सिंगुलर नाउन हो गया, राइट, बोर्ड सिंगुलर नाउन हो गया। टीचर देखो सिंगुलर नाउन हो गया। ये सब कॉमन नाउन्स है जो मैंने आपको अभी बताई, ये कॉमन नाउन्स है। देखो, मतलब वो जिसके ऊपर नाम ना हो, नाम ना हो, को स्पेसिफिक नाम ना हो,
तो वो प्रॉपर नाउन में नहीं आता, कॉमन नाउन में आता है। तो अब कंप्यूटर हुआ, बोर्ड हुआ, टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, राइट। तो ये ऐसे अल्फाज जो है वो कॉमन नाउन्स है। और अभी हमने जो लिखे ये मना तीनों जो है वो सिंगुलर नाउन्स में लिखे। देखो सिंगुलर जो नाउन होता है ना वो यूजली मोस्टली जो हमें नजर आता है कि बगैर एस वाला जो नाउन होता है वो हमें सिंगुलर नजर आता है, लेकिन ये ऑलवेज नहीं है, हमेशा नहीं। आपको मैं आगे हम पढ़ेंगे मना नाउन्स के अंदर कई ऐसी मना वेरिएशंस आपको नजर आएंगी जिसमें आप देखेंगे के एस के बगैर भी अगर हम प्लूरल कर रहे हैं नाउन को। बेटा देखो चाइल्ड का प्लूरल क्या हो रहा है, चिल्ड्रेन हो रहा है। ऑक्स का क्या हो रहा है, ऑक्सिन हो रहा है। गूज का क्या हो रहा है, देखो गीज हो रहा है। माउस का क्या हो रहा है, देखो माइस हो रहा है। टूथ का क्या हो रहा है, टीथ हो रहा है। तो ये थोड़ी एस से प्लूरल हो रहे हैं। तो ऐसे कई जो वो एक्सेप्शन या हमें वेरिएशन कॉमन नाउन के अंदर नजर आएंगी जो बगैर एस के भी प्लूरल होते हैं नाउन्स। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो यानी सिंगुलर नाउन का जो बेस है या इसका जो यूज है वो हमें डिस्कस करना चाहिए कि किस तरीके से ये करेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर। तो बेटा ये इस तरीके से होते हैं, यानी जैसे आपके सामने पड़े ये भी कंप्यूटर भी एक है, बोर्ड भी एक है, टीचर भी एक है, मतलब ये एक हो गए। तो कॉमन नाउन जो होते हैं और ये इनके अंदर ये एफिशिएंसी ये प्लूरल भी होते हैं। अगर आपके पास दो कंप्यूटर है तो देखो कंप्यूटर्स हो जाएंगे। अगर कॉलेज में दो या तीन बोर्ड है तो तीन बोर्ड्स हो जाएंगे, थ्री बोर्ड्स हो जाएंगे। अगर मतलब तीन या चार टीचर है तो देखो फोर टीचर्स हो जाएंगे। तो वो वाली साइड मतलब इधर प्लूरल वाली साइड हो जाएगी। तो ये जो कॉमन नाउन है इसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल वाली जो कैटेगरी है या जो क्लास है जो ग्रुप है इसके अंदर देखो यानी ये प्रॉपर्टी और फीचर मौजूद है कि ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था यानी कि जब फंक्शन की बात कर रहा था तो फंक्शन में मैंने बताया कि जैसे वर्ड सिंगुलर लिखा हुआ है फंक्शन से मुराद बेटा होता है वर्ब, यानी फंक्शन से मुराद होता है वर्ब। कि आपका जब सब्जेक्ट कोई नाउन बने, मेरी एक बात सुनो, मैंने आपको मतलब बताया होगा कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना अल्फाज उनमें हमेशा नाउन आता है, कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच यूज नहीं होता, ठीक है ना। देखो इस हवाले से भी ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये आपका बेस अच्छा होगा ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटा हर चीज बेस के बुनियाद पर जो है वो बनती है, अगर वो नहीं होगा तो आगे हमें पैनिक होगा। तो यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो पार्ट ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं वो या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, इसके सिवा कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यानी जो सिंगुलर नाउन्स हैं या कॉमन सिंगुलर नाउन है इनका जो फंक्शन होगा यानी जब ये सब्जेक्ट के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। तो देखो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब्स इनके साथ इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको प्रॉपर नाउन्स में भी ये बताया था कि जो नाउन्स हम पढ़ रहे हैं नाउन सब जो है ना भले आपका प्रॉपर नाउन हो कॉमन नाउन हो मतलब जो भी टाइप जो भी कैटेगरी हम पढ़े वो आपका सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, उसके साथ आप प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल या परसों मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन है वो सब्जेक्ट होगा तो कॉमन नहीं होगा, नहीं, नाउन जो होगा वो नाउन देखो नाउन जो भी होगा उसके साथ उसका फंक्शन या उसकी फीचर्स जो है ना तकरीबन सेम होंगी। तो नाउन माना सिमिलरिटी कौन सी है, देखो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में सिमिलरिटी कौन सी है, भाई प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट बनता है, ठीक है बनता है, हमने पढ़ा देखा तब हमने एग्जाम्पल्स में यूज किया। अभी कॉमन नाउन का तो कॉमन नाउन भी सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ये हुआ। अच्छा प्रॉपर नाउन ऑब्जेक्ट बना तो ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, कॉमन नाउन भी ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रॉपर नाउन कॉम्प्लीमेंट बना ये कॉमन नाउन भी कॉम्प्लीमेंट बनेगा। प्रॉपर नाउन के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ इस कॉमन नाउन के साथ भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा। ये सब मैं पढ़ाता हूँ आपको बताता हूँ, लेकिन मैं ये आपको एक मतलब पर्सपेक्टिव या बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि देखो नाउन के साथ हम किस तरीके से यानी मतलब यूज करते हैं। तो बेटा देखो ये यानी सब्जेक्ट भी होंगे ऑब्जेक्ट और सब होंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होंगे। मैंने आपको अभी अभी बताया कि सिंगुलर वर्ब का जो सिंगुलर वर्ब की जो निशानी है वो आखिर में
किसी भी वर्ड के आखिर में एस आ जाए तो वो सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे देखो इज हुआ, वाज हुआ, ठीक है, हैज इस्तेमाल करे या डज इस्तेमाल करे या कोई भी एक्शन वर्ब आ सकता है। मिसाल के तौर पर आपने स्पीक्स वर्ड, देखो स्पीक्स होता है, राइट्स होता है, नोज होता है, तो ये देखो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लिया, ठीक है बेटा सिंगुलर वर्ब। अच्छा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं कि जब भी, वैसे तो ठीक है हमने अभी एग्जाम्पल्स देकर ये अल्फाज लिख लिए, कंप्यूटर लिख लिया, बोर्ड लिख लिया, टीचर हमने लिख लिया, चेयर हमने लिख लिया, मार्कर हमने लिख लिया, मैन हमने लिख लिया, ठीक है ना, तो स्टूडेंट हमने लिख लिया, तो हमने एग्जाम्पल्स के तौर पर तो इधर लिख लिया, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि जब भी इनका हम सेंटेंस बनाएंगे, मतलब जो सिंगुलर नाउन्स का जब भी सेंटेंस बनाएंगे वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर कॉम्प्लीमेंट के जिधर भी इस्तेमाल होगा, तो बेटा देखो यानी ये डिटर्मिनर्स के लिए करेंगे, माना सिंगुलर जो नाउन होगा बगैर डिटर्मिनर्स के इस्तेमाल नहीं होगा। अब डिटर्मिनर्स क्या होते, ठीक है ना, यानी डिटर्मिनर्स क्या होते, जो नाउन से पहले, डिटर्मिनर्स मतलब नाउन को डिटर्मिन करे, नाउन की पोजीशन को डिटरमिन करे, ठीक है, डिटरमिनर क्या होते, यानी जो नाउन की पोजीशन को डिटरमिन करे, नाउन की पोजीशन को फिक्स करे, नाउन की पोजीशन को स्पेसिफाई करे, ठीक है ना, तो उसको हम डिटरमिनर कहते हैं। तो जो सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है ना, इस सिंगुलर नाउन के लिए एक, मना एक वर्ड मशहूर है जिसको कहा जाता है एससीएन, बेटा ये वर्ड इस वर्ड से लिखा जाता है, मतलब सिंगुलर नाउन को इससे लिखा जाता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में आएगा तो आप उससे पहले यानी डिटरमिनर इस्तेमाल करेंगे, डिटरमिनर प्लस एससीएन होगा, अगर ये नहीं होगा, आपने इस्तेमाल नहीं किया तो ये एरर है, मतलब ये एरर है, ठीक है। अब जो एरर है, अगर आपने देखो ऊपर एससीएन पढ़ा है, ऊपर एससीएन पढ़ा है, समझ लो मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपने इस्तेमाल कर दिया सेंटेंस में, मैं अभी बताता हूँ मिसाल के तौर पर, मैं एग्जाम्पल एससीएन का इधर देता हूँ, इधर आप देखें, जैसे आप देखें, सॉरी देखो इधर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वी वी मेट, बेटा देखो वी मेट मैन, बहुत बेसिक है, ठीक है ना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, आपकी आंख ही नहीं खुल रही, तो मतलब चीजें भी आसान आसान आपको बता दे जाए ताकि आप आराम से पिकअप भी करते जाए। देखो वी मेट मैन, ठीक है बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, वी मेट मैन, अब ये लिखा हुआ है, मैंने आपको देखो इधर एक स्ट्रक्चर दे दिए, कंडीशन दे दिए, कौन से कंडीशन दे दिए, कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है ना डिटर्मिनर के बगैर इस्तेमाल नहीं होगा। अब सिंगुलर डिटर्मिनर्स भी मैं बताता हूँ आपको, लिखवाता हूँ कि वो आप देंगे तब सही होगा। अब एक ये सेंटेंस पढ़ा है देखो, ठीक है, एक ऑप्शन आपका ये पढ़ा है, ए ऑप्शन, ऑप्शंस में बनाते हैं, अच्छा बी ऑप्शन बनाते हैं, बेटा देखो बी ऑप्शन बनाते हैं, वी मेट अ मैन, ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है बेटा, सी ऑप्शन बना लेते हैं, देखो सी ऑप्शन बनाते हैं, वी मेट, ठीक है, वी वेट मेन्स, बहुत बेसिक है, और डी बना लेते हैं, वी मेट अ मैन, देखो ये बना, चार वो ऑप्शंस आपके सामने आ गए, बहुत बेसिक है। अब हम तो भाई नाउन को ऐसा लेते हैं कि कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ है वो ही हमारे लिए सही है, बस दे दिया, नहीं बेटा देखो मैं अब फंक्शन की, सेंटेंस की, एरर की बात कर रहे हैं कि एरर कौन सी होती है, तो अभी मैंने बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है ना वो डिटर्मिनर के बगैर इस्तेमाल नहीं होता। इन ऑप्शंस को देखते हैं आकर, आपको मतलब बताते हैं, आपने भी कर लिया होगा, लेकिन पहले आए इधर सिंगुलर डिटर्मिनर्स देखो, देखो हमने कहा कि जब भी नाउन इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल करेंगे, डिटर्मिनर्स देंगे, अब सिंगुलर डिटर्मिनर्स कौन से, देखो सिंगुलर डिटर्मिनर्स ये लगेंगे लगेंगे जब भी आप सिंगुलर नाउन यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो ये सेंटेंस में लगेंगे लगेंगे, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए तो गलत हो जाएंगे, ठीक है ना, सिंगुलर डिटर्मिनर्स लगेंगे लगेंगे। बेटा वो कौन से, जैसे आप अ लगाओ, आप एन लगाओ, ठीक है, आप आर्टिकल ये दे दो, आप ईच लगा लो, ठीक है, आप एवरी इस्तेमाल करो, आप देखो दिस इस्तेमाल करो, राइट, आप दैट इस्तेमाल करो, देखो जो सिंगुलर होता है, जो सिंगुलर होते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे,
एन अदर होता है, आप हम ये इस्तेमाल करेंगे, नो इस्तेमाल करें, यानी जो सिंगुलर डिटर्मिनर्स होंगे वो हम सिंगुलर नाउन से पहले लिखेंगे, इनमें से कोई ना कोई एक हमें लिखना पड़ेगा, तब हमारा ये एस सी एन जो होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब करेक्ट होगा सेंटेंस में। मैं कुछ एमसीक्यूज भी इनके ऊपर करवाता हूँ, देखो ए लगाए द लगाए ईच लगाए एवरी लगाए दिस लगाए दैट लगाए एनदर लगाए नो लगाए, ठीक है ना, ये देखो सिंगुलर डिटर्मिनर्स है, प्लूरल नहीं सिंगुलर, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर नाउन देखो सिंगुलर के लिए मशहूर है कि या तो उसको सिंगुलर में जब लिखना है तो उसको डिटर्मिनर के साथ लिखो या तो उसको प्लूरल कर दो, मतलब अगर उसको सही सेंटेंस में लिखना है तो आपके पास उसको सही लिखने का तरीका ये कि या तो आप उसको डिटर्मिनर के साथ लिखो जैसे डिटर्मिनर लिखा हुआ है, या तो उस नाउन को प्लूरल कर दो तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि डिटर्मिनर जो है वो देना, ये डिटर्मिनर माना वो अल्फाज जो नाउन से पहले आकर सिंगुलर नाउन से पहले आकर उस नाउन को डिटरमिन करते हैं, उसकी पोजीशन को डिटरमिन करते हैं, उसकी पोजीशन को फिक्स करते हैं, उसकी पोजीशन को हमें बताते हैं, ठीक है, एक बताते हैं स्पेसिफिक करके बताते हैं, ईच या एवरी हमने मीनिंग ऐसे लग रही होगी कि जैसा कि कोई प्लूरल है, नहीं इनके साथ कभी प्लूरल मत इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो भी है ये सिंगुलर के साथ, ये नो जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, नो प्लूरल के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बाकी नाउन्स के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हम सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं, अब आपने डिटर्मिनर्स देख लिए कि ये जो अल्फाज हैं या ये जो वर्ड्स हैं डिटर्मिनर्स, ये बेटा सिंगुलर से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो अब हम आते हैं, अब हमारा एमसीक्यू भी इधर पड़ा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि एस सी एन जब भी होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब काउंटेबल नाउन से मुराद वो फिर प्लूरल भी हो सके, उसको कहा जाता है आप काउंट करें, वन कंप्यूटर टू कंप्यूटर्स देखो प्लूरल हो रहा है। तो अब आते हैं इसको देखते हैं, मुझे बताओ वी मेट मैन, ये सही है गलत है, कलर हम चेंज करते हैं, ठीक है, मार्कर का कलर चेंज करके और ज्यादा इसको मतलब स्पेसिफाई करते हैं, वी मेट मैन बेटा ये सही है गलत है, देखो ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये एस सी एन है मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हमने करेक्ट ऑप्शन कौन सा निकाल दिया है, ये करेक्ट ऑप्शन हमने फाइंड आउट कर दिया है कि भाई अगर इसको फॉलो करेंगे तो तब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन करेक्ट होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आपकी मिस्टेक हो जाएगी, तो हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए देखो ये दे दिया है, इसके तहत हमें चलना है, सारे एग्जाम्पल्स या सेंटेंस या एमसीक्यू जो भी हमें सोल्व करने हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ये देखना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, डिटर्मिनर नहीं है, और डिटर्मिनर मैंने अभी आपको बता दिए। फिर हम आते हैं बी ऑप्शन पे, हम आते हैं बेटा बी ऑप्शन में देखो आप, ठीक है, बी ऑप्शन में आप देखो, यानी बी ऑप्शन में हमने क्या किया है, बी ऑप्शन में देखो वी मेट अ मैन, आप बोलेंगे सर ये तो सही कर दिया आपने, देखो अब ये बी ऑप्शन, कई स्टूडेंट्स ने बी सही किया है, बेटा आप देखो बी सही किया है, बी बी सही नहीं है, बी कैसे सही नहीं है, क्योंकि ये जो नाउन है ना ये प्लूरल नाउन है, ये जो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल के साथ आपने सिंगुलर वाला लगा दिया है, ठीक है ना, इधर देखो क्या लिखा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है, तो ये बी देखो गलत हो गया, उसके बाद देखो हमने सी का प्लूरल ही गलत कर दिया है, ठीक है, इधर मतलब स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है, एक ऑप्शन बनाया है बहरहाल मतलब बहुत ऑकवर्ड स्ट्रक्चर है ये, तो जो राइट हो रहा है वो जाकर हमारा डी ऑप्शन लास्ट सही हो रहा है, वी मेट अ मैन, ठीक है, वी मेट अ मैन, देखो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया है। तो देखो पहली बात मैंने अभी आपको इधर हमें हम दो बातें इधर डिस्कस कर रहे हैं, दो बातों को प्लीज माना आप उसको फोकस करें अभी समझे, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, ठीक है ना, ये जो बातें सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को सीखने के लिए आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है, बहुत आसान है बेसिक है, यानी पहली बात कि ये सिंगुलर वर्ब्स कैरी करते जब भी सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे, जाहिर है ये वर्ब्स कैरी कब करेंगे जब सब्जेक्ट होगा, आपको पता होता है सब्जेक्ट वर्ब के लिए आता है, वर्ब सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है ना, और सब्जेक्ट में जो अल्फाज आते हैं वो सब्जेक्ट में बेटा जो वर्ड्स आते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि जो सब्जेक्ट में वर्ड्स आते हैं यानी सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट में जो वर्ड्स आते हैं
सब्जेक्ट कंटेन्स व्हाट? कंटेन्स नाउन्स एंड प्रोनाउन्स, यानी नाउन्स और प्रोनाउन्स के सिवा सब्जेक्ट में कोई और पार्ट ऑफ स्पीच कभी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट देखो ये होता है, अच्छा सब्जेक्ट में जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं वो नाउन्स एंड प्रोनाउन्स होते हैं। अच्छा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में लिख लेना, ठीक है। इधर सब्जेक्ट एंड सॉरी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कंटेन, ठीक है ये सटा देना क्योंकि अब हमारे पास दो आ गए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कंटेन नाउन एंड प्रोनाउंस, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वर्ड्स आते हैं वो नाउन्स और प्रोनाउंस आते हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी आपने इस्तेमाल कर लिया ये, अब आगे देखते हैं। अभी इधर हमने दिया हुआ है ये देखो, अब और ज्यादा इसके दोनों के एग्जाम्पल्स मतलब वर्ब के एग्जाम्पल्स और देखो डिटर्मिनर के एग्जाम्पल्स, दोनों एग्जाम्पल्स बेटा सही करना। आपसे पूछते हैं अब, दे हैव रिसेंटली, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा, बेटा क्लियर करें टॉपिक, समझें, शाबाश। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो बताना, देखो हर चीज में बार बार आपको बता रहा हूं। दे हैव रिसेंटली, रिसेंटली परचेस्ड, ठीक है, दे हैव रिसेंटली परचेस्ड कंप्यूटर, बी ऑप्शन हुआ। देखो बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान स्ट्रक्चर है ये, दे हैव रिसेंटली, दे हैव रिसेंटली परचेज्ड अ कंप्यूटर्स, सी ऑप्शन। देखो दे हैव रिसेंटली परचेज्ड अ कंप्यूटर, ठीक है बेटा। और डी में हम लिखते हैं, डी हमारा ऑप्शन है नॉट, नॉट मतलब नन ऑफ देम, ठीक है। तो अब आप खुद देखो कि जो हमने अभी यानी इनका रूल पढ़ा है सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर नाउन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, फिर इनकी कैटेगरीज वगैरह पे हम कल से मतलब ज्यादा जाएंगे। लेकिन अब आप देखो, दे हैव रिसेंटली परचेज्ड कंप्यूटर, दे हैव रिसेंटली परचेज्ड अ कंप्यूटर्स, दे हैव रिसेंटली परचेज्ड अ कंप्यूटर। तो आप खुद देखें जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, देखो हमारा मतलब कंपेरेटिवली देखो, एक इसको देखो और दूसरा इसको देखो, तो ये गलत हो गया और ये सही हो रहा है, क्यों हो रहा है? यही बात इधर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि अगर सेंटेंस के अंदर मतलब सेंटेंस जाहिर है फंक्शन बताता है ना, तो सेंटेंस के अंदर जब फंक्शन की बात होती है तब आप अगर डिटर्मिनर के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो देखो वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत इसीलिए हुआ क्योंकि आपने डिटर्मिनर नहीं इस्तेमाल किया SCN से पहले, उसके बाद बी पे आते हैं, देव रिसेंटली परचेज द कंप्यूटर्स, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बिल्कुल आपको ये नहीं कहा कि आप यानी हर नाउन से पहले डिटर्मिनर लगाओ, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखो आपने पता नहीं लिखा है तो वो आप प्लीज करेक्टली लिख लो, मैंने आपको ये कहा है कि सिंगुलर नाउन जो होता है उसको आप प्लीज सिंगुलर यूज ना करो, उसको डिटर्मिनर के साथ इस्तेमाल करो, ठीक है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो वो इरर हो जाएगी, वो मिस्टेक है, ठीक है। तो हमने देखो ये नहीं कहा कि आप प्लूरल नाउन के साथ भी लगा के देखो, ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, तो ये जो गलती की आपने इधर ना लगा कर गलती की है, इधर जो आपने गलती की है वो मतलब प्लूरल के साथ मतलब गलत के साथ जो है ना आपने लगाया, तो ये गलत हो गया, बी गलत हुआ, मतलब प्लूरल के साथ आपने जाकर अ लगाया, भाई अ मना वन, तो वन कंप्यूटर्स हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये तो बिल्कुल ऑकवर्ड है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, दे हैव रिसेंटली परचेज्ड अ कंप्यूटर, अब देखो ये आपका सही हो गया। तो डिटर्मिनर्स को बेटा इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बहुत आसान है, वी एंजॉय
डे ऑफ अवर लाइफ, ठीक है, ये हुआ ए ऑप्शन हमारा। देखो अब बी ऑप्शन देखना बेटा, बी ऑप्शन देखना, वी एंजॉय, ठीक है ना, वी एंजॉय ईच डेज ऑफ अवर लाइफ, बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन देखें बेटा, वी एंजॉय एवरी डेज ऑफ अवर लाइफ, देखो डी हो गया, आप देखें डी हो गया, वी एंजॉय ईच डे ऑफ अवर लाइफ। देखो आपके सामने आ गए सारे ऑप्शंस, चारों ऑप्शन सामने आ गए, और सिवाय एक के, देखो ए ऑप्शन के सिवा बाकी तीनों ऑप्शंस में मैंने डिटरमिनर लगाया है, ठीक है ना, तीनों में डिटरमिनर लगाया है, लेकिन फिर सही कौन सा वाला है वो हमें देखना है, लेकिन डिटरमिनर तो देखो हर जगह पर, मतलब तीनों ऑप्शंस में हमने लगाया है। वी एंजॉय डे ऑफ अवर लाइफ, बेटा डे क्या है, मतलब डे ऐसा नाउन है जो सिंगुलर से प्लूरल हो रहा हो, माना देखो ये डिटरमिनर कब लगाते, उन नाउन्स के साथ ये मस्ट हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है लगाना, जो नाउन आपका सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, जिस नाउन के अंदर ये मौजूद है, जैसे चेयर है ना, तो एक चेयर, वन चेयर, टू चेयर हो जाता है, ठीक है ना। अब टीचर है तो वन टीचर से देखो टू थ्री फोर टीचर्स, मतलब प्लूरल हो रहा है। मार्कर है देखो, यानी अमार्कर है तो वो टू थ्री फोर फाइव मार्कर्स हो रहा है। वॉल क्लॉक है देखो, वन वॉल क्लॉक, थ्री फोर फाइव वॉल क्लॉक्स, यानी हो रहा है। डोर है देखो तो वन टू, मतलब वन डोर हो रहा है या अ डोर हो रहा है, ईच डोर हो रहा है, एवरी डोर हो रहा है, ठीक है ना, या नो डोर हो रहा है, नो गेट हो रहा है, तो देखो आगे प्लूरल हो रहा है इनका। तो ऐसा नाउन जिसका प्लूरल हो रहा हो, यानी आपको ये कंफर्म हो जिसका प्लूरल हो रहा हो, उसके साथ अगर वो सिंगुलर में यूज हो गया है तो आपको डिटर्मिनर इस्तेमाल होना करना है सेंटेंस में, यानी सिंगुलर नाउन सेंटेंस में आपको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है, या तो उसे प्लूरल कर दो या तो उसे मतलब डिटर्मिनर उसके साथ इस्तेमाल करो। तो मैंने अभी आपको जो बात बताई कि ये वो नाउन्स, जो नाउन्स आपके क्या हो रहे हैं बेटा, वो नाउन्स आपके सिंगुलर से प्लूरल हो रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है, मिसाल कोई नाउन काउंट ही नहीं होता, काउंट ही नहीं होता तो आप उसके साथ जो है वो अ और एन लगा के बैठे हो, जैसे मिसाल के तौर पर आप लगाए कि ये नहीं, वी बाय या वी बॉट अ शुगर, ठीक है, वी बॉट अ शुगर, तो बेटा आप शुगर अनकाउंटेबल है, एसीएन तो नहीं है, काउंट ही नहीं होता, तो आप अ कैसे लगाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब वो जो काउंट हो रहा है। इसी तरीके से प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा, देखो उसके लिए भी हमने ये मतलब इम्फेसाइज नहीं किया कि भाई डिटर्मिनर्स जो वो मस्ट नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि वो है एक, उनका प्लूरल होता नहीं है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि इनके साथ लगाते हैं, क्योंकि इनमें ये है कि ये प्लूरल भी होते हैं सिंगुलर भी होते हैं, तो इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि देखो हम इनको सिंगुलर के तौर पर, मैंने एक कंप्यूटर लिया, मैंने एक चेयर इस्तेमाल की, मैंने एक मार्कर इस्तेमाल की, मैंने, हम ये बताना चाहते हैं तादाद कि भाई एक दो तीन चार पांच दस पंद्रह या उससे ज्यादा तादाद, तो ये एक पर्पज होता है डिटर्मिनर लगाने का इन नाउन से पहले, इसीलिए हम ये लगाते हैं, ये पर्पज ये इनका कि तब हम इनको स्पेसिफाई करते, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं लगाते हो, मिसाल के तौर पर अगर आप नहीं लगाते हो तो पता नहीं है कि वो एक है या एक से ज्यादा है, क्योंकि आपने तो मना बिल्कुल कुछ नहीं बताया, मिसाल के तौर पर आप बता रहे हो टीचर इज टीचिंग अस, भाई टीचर इज टीचिंग अस, अब पता नहीं है कि एक है या एक से ज्यादा है, क्योंकि एक होगा तो उसके लिए एक डिटर्मिनर होना चाहिए, कोई एक वर्ड वाला डिटर्मिनर लगाना चाहिए, अ टीचर, वन टीचर, ईच टीचर, दिस टीचर, दैट टीचर, एन अदर टीचर, कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो आपको टीचर लिखना पड़ेगा, तो ये वजह है जिसकी वजह से आपको मना ये डिटर्मिनर जो है वो हमें लगाने पड़ेंगे। आप प्लीज नोट कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे मेरी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पे आगे देखना आपकी टेस्ट, आपकी परफॉर्मेंस, या जो
आपका स्कोर वगैरह, ये चीजें जो माइनर माइनर अभी है, अभी अगर आपने पिकअप कर ली तो आप इरिटेट नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी जर्नी है जिसमें वही इंसान, वही स्टूडेंट कामयाब होता है जो इस्तकामत से, हौसले से, डिटर्मिनेशन से हर बात को लेके चलता है, संभल के चलता है। यकीन कामयाबी उसकी होती है बेटा। मेहनत तो है, मेहनत मतलब तकलीफ। जितनी बड़ी तकलीफ होगी, जितना बड़ी ट्रबल होगी और जितनी बड़ी आपकी सेक्रीफाइसेस होंगी, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन सोने से या मतलब आसानी से, आसाइश से, मेरे ख्याल में आज तक तो दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला है। अब अगर कोई एक्सेप्शनली हमें मिल जाए तो वो मैं नहीं बोल कह सकता। तो इधर देखें बेटा, इधर देखें, ठीक है बेटा, वी एंजॉय डे ऑफ। तो बेटा देखो, ये गलत हो गया, गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि इधर कोई हमने डिटर्मिनर नहीं लगाया। डे हमारा सिंगुलर है ना, 1 डे 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज हम बोलते, तो देखो गलत हो गया। बी देखें, वी एंजॉय ईच डेज ऑफ अवर लाइफ। हमें लग रहा है कि भाई ईच जो है ना प्लूरल के साथ, नहीं बेटा ये गलत हो, गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है। फिर सी को देखो, वी एंजॉय एवरी डेज ऑफ अवर लाइफ, एवरी डेज ऑफ अवर लाइफ, बेटा देखो ये भी गलत है क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड किसके साथ हमने अभी आपको बताया, ये कीवर्ड सिंगुलर नाउन के साथ लगने वाले हैं, सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करो, तो आपने प्लूरल के साथ जाकर इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए देखो एरर हो गई। फिर हम डी पे आते हैं लास्ट में, देखो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही, ठीक है ना, वी एंजॉय ईच डे ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका सिंगुलर डिटर्मिनर और सिंगुलर नाउन, इनकी दोनों की आपस में पेयरिंग हो गई, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन हो गई। तो बेटा देखो, जो कॉम्बिनेशन होती है, माना हमने क्या अभी नोट किया, माना जो कॉम्बिनेशन होती है किसकी, यानी सिंगुलर नाउन की जो होती है ना कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन ऐसी होती है, यानी डिटर्मिनर, डिटर्मिनर मैं पूरा वर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है, डिटर्मिनर प्लस एससीएम, प्लस एससीएम, माना ये कॉम्बिनेशन आपको एमसीक्यू के अंदर या सवाल के अंदर जो है वो जेन में रखनी है। अगर ये आपने नहीं रखी, देखो हमने इधर थोड़ा वायलेट किया, ऑप्शंस के अंदर हमने मतलब ये चीज नहीं रखी, तो देखो ये गलत हो गया। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। अब कल इंशाल्लाह मैं और ज्यादा आपको वर्ब पे और फंक्शन पे आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आप खुद देखो मतलब। थैंक यू। थोड़े कौन कहता है, क्योंकि आपको मतलब पढ़ा रहे ना अभी। अच्छा हाँ, अच्छा टोपी का कलर आपको लग रहा है शायद, ये कल दूसरी टोपी में इंशाल्लाह कोशिश करके लेके आऊंगा, या अगर किसी को ये लग रहा है रिकॉर्डेड है तो मुझे टोपी लेकर दे के जाए, ठीक है, ये भी सही है तो, ठीक है। अच्छा बेटा, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के अंदर, वो टॉपिक था हमारा मेन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके मेन फीचर्स कौन से हैं, क्योंकि ये अहम भी है और इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो तकरीबन सारी समा जाती हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो नेचर क्या है। मतलब जिस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैटिनेशन की सलाहियत होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन्स बना लेता है अपने एटम के साथ, ब्रांच चेन्स बना लेता है, रिंग्स बना लेता है वो, और इसके अलावा वो दूसरे एटम के साथ भी बॉन्ड बनाता है, अपने एटम के साथ भी बॉन्ड बनाता है वो, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी इसके अंदर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा और एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बना लेता है, सल्फर के साथ वो बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये एक यूनिक नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये हमने पहले डिस्कस किया था, मगर कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं तो वो उनको आज हम पढ़ लेंगे। तो मेन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा देखो, मेन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने पहले पढ़ा था कैटिनेशन, ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया था।
मगर क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो इसलिए इनको बता देता हूँ कि हमने ये टॉपिक जो मेन फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केटिनेशन की जो सलाहियत है, ये हमने पहले डिस्कस कर ली है। मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन में एक यूनिक कार्बन की नेचर है, तो कार्बन की एक मुनफरद नेचर है कि वो अपने एटम के साथ ही बांड बनाता है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ बांड बनाता है, जिसमें उसकी लॉन्गेस्ट चेन्स होती हैं, ब्रांच चेन्स भी होती हैं, रिंग्स भी होती हैं। अच्छा, उनके अंदर सेचुरेटेड कंपाउंड्स भी होते हैं, सिंगल बांड वाले होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स भी बनाता है वो, डबल बांड वाले, ट्रिपल बांड वाले। अच्छा, कार्बन अपने एटम के साथ बांड बनाता है और अपने एटम के अलावा और एटम के साथ भी बांड बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिनमें नाइट्रोजन भी होती है। देखो अल्कोहल है तो उसमें देखो कार्बन के साथ ओच बॉन्डेड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें भी देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ओच ग्रुप होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अमाइन को देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे पढ़ने सारे तो हमने पढ़ने, आगे अमाइन को हम देखेंगे तो अमाइन में NH2 ग्रुप होता है और नाइट्राइल के अंदर CN ग्रुप होता है। तो कार्बन अपने एटम के साथ भी बांड बनाता है, साथ में दूसरे एटम के साथ भी बांड बनाता है, जिसकी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस में हैं। अगर ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो मिलियंस में हैं तो क्यों हैं, हालांकि कार्बन की परसेंटेज तो जमीन के अंदर बहुत ही कम है, कार्बन की परसेंटेज 0.02% है अर्थ कर्स के अंदर, मगर इसके कंपाउंड जो है मिलियंस में है, लाखों में है। तो उसका रीजन एक तो ये भी है ना कि कार्बन की यूनिक नेचर है, केटिनेशन की सलाहियत है। कार्बन में जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसके अंदर आइसोमेरिज्म भी होती है, आइसोमेरिज्म की भी एक सबब है कार्बन के कंपाउंड्स के ज्यादा होने का, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो जाता है मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है उनका डिफरेंट होता है, जिनकी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। या कार्बन जो है वो मल्टीपल बांड बनाता है, मल्टीपल बांड बनाने की वजह से वो रिंग भी बना लेता है, चेन भी बना लेता है, डबल बांड भी बना लेता है, सिंगल बांड भी बना लेता है, ट्रिपल बांड भी बना लेता है। तो उसके अंदर मल्टीपल बांड्स बनते हैं, मतलब चार बांड्स कार्बन के जो है टोटल चार बांड बनते हैं। ठीक है, तो ये सलाहियत है कार्बन के अंदर। ठीक है, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि केटिनेशन की सलाहियत है कि अपने एटम के साथ बांड बनाना या अपने एटम के अलावा दूसरे एटम के साथ भी ये बांड बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जस्ट आपको बता रहा था मैं। अच्छा, सेकंड है नॉन आयनिक नेचर, अच्छा देखें कार्बन जो है वो नॉन मेटल है और उसके आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को वो इजीली लूज नहीं करता, मतलब कार्बन की जो आयनिक पोटेंशियल है वो बहुत हाई होती है, इसलिए वो आयनिक बांड नहीं बनाएगा, मगर वो बांड बनाता है कोवलेंट बांड। ठीक है, इसलिए उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक नेचर के नहीं होते। ठीक है, तो कार्बन फॉर्म कोवलेंट बांड्स, जो बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये क्या होते हैं नॉन आयोनिक नेचर के होते हैं। इनकी नेचर क्या होती है, आयनिक नेचर नहीं होती, मतलब आयंस नहीं बनाते ये, मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो नेचर होती है वो नॉन आयनिक होती है, आयनिक नहीं नेचर होती। अच्छा, नॉन आयनिक नेचर की वजह से उनके जो रिएक्शन हैं वो भी स्लो होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान जो रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं, आयंस के बीच में जो रिएक्शन हैं वो फास्ट होते हैं, जैसे AgNO3, NaCl या HCl और NaOH, उनके दरमियान रिएक्शंस फास्ट होते हैं, मगर कोवलेंट कंपाउंड्स के दरमियान जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं, इसलिए कि उनकी नेचर जो है वो नॉन आयोनिक है। अच्छा, तो एक हो गए नॉन आयोनिक नेचर, क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। अब आते हैं सोल्युबिलिटी पे, देखिए जो सोल्युबिलिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सोल्यूट और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे। वैसे कहीं भी देखेंगे आप, जो किसी भी कंपाउंड की जो सोल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है उसकी
नेचर पे डिपेंड करती है, मतलब के सोल्यूट की नेचर क्या है, सॉल्वेंट की नेचर क्या है। अगर सपोज कहते हैं हम सोल्यूट पोलर लेते हैं और सॉल्वेंट भी पोलर होता है तो उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अगर नॉन पोलर सोल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसकी भी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि नेचर एक जैसी है उनकी। मगर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, आप सबको पता है, वो नॉन आयोनिक होते हैं, मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, इसलिए वो सोल्यूबिल किसके अंदर होंगे, लाजिम बात है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबिल होंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी उनकी कम होगी। मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके फंक्शनल ग्रुप में OH है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप में OH आता है, जैसे अल्कोहल है, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिनका फंक्शनल ग्रुप देखो पोलर है, फंक्शनल ग्रुप दे आर सोल्यूबिल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबिल है। इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्कोहल वाटर के अंदर सोल्यूबिल है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के अंदर सोल्यूबिल है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और इनकी नेचर पोलर होती है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर सोल्यूबिल है। मगर नॉन पोलर जो सोल्यूट है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपको पता है वाटर के अंदर सोल्यूबिल नहीं होते, ठीक है, मोस्टली। अच्छा, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएंगे, जैसे बेंजीन के अंदर हल हो जाएंगे, टोलिन के अंदर हल हो जाएंगे, हेक्सेन भी क्योंकि लिक्विड है वो भी सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है, तो ये इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उनकी नेचर नॉन पोलर है, उनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है। तो इसका मतलब है नॉन पोलर जो सोल्यूट होंगे, और मेजोरिटी तो है नॉन पोलर की, तो इसका मतलब है वो वाटर के अंदर क्या होंगे, मोस्टली इनसोल्यूबल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट, इट्स स्ट्रक्चर, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या OH है, ये पोलर ग्रुप है, जो OH ग्रुप है ये पोलर है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग फंक्शनल ग्रुप CWH आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो मजीद जो डिटेल में हम पढ़ेंगे अल्कोहल के अंदर पढ़ेंगे और कार्बोनिक एसिड के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, और तो रीजन इसका ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ और जिसकी वजह से सोल्यूबल हैं। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर थोड़ी कुछ पोलरिटी होगी, मतलब अगर स्लाइटली वो पोलर हैं तो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आर इनसोल्यूबल इन वाटर, जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे, क्योंकि इनकी कोई इंटरेक्शन नहीं होगी वाटर के साथ, वाटर के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, दे आर सोल्यूबल इन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, C6H6, आर टोलीन, C6H5, CH3, या हेक्सेन, C6H14। तो जो नॉन पोलर सोल्यूट हैं, मतलब नॉन पोलर जिसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नॉन पोलर हैं, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो बेंजीन है उसके अंदर हल हो जाएंगे। हेक्सेन भी सॉल्वेंट है, लिक्विड में होता है, उसके अंदर हल हो जाएंगे, टोलिन के अंदर हल हो जाएंगे, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे या आपस में डिजॉल्व हो जाएंगे जो नॉन पोलर होंगे। तो इसका मतलब है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली नॉन पोलर हैं, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसी है। जो नॉन पोलर है उनके अंदर वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है, तो दोनों के अंदर फोर्स एक जैसी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसी, इसलिए वो हल हो जाते हैं, ठीक है। मगर मोस्टली वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। वाटर के अंदर सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होंगे जिनका फंक्शन ग्रुप पोलर होगा, जैसे सपोज करते हैं ओ एच ग्रुप है, वो हल हो जाएंगे पानी के अंदर, या NH2 ग्रुप जिसके अंदर है अमाइन है, वो भी वाटर के अंदर हल हो जाते हैं, ठीक है। मगर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। देखो अल्कोहल की जो सोल्युबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है अल्कोहल के अंदर जो मिथाइल अल्कोहल होगा वो ज्यादा हल होगा, इथाइल अल्कोहल लेस सोल्यूबल होगा, प्रोपाइल अल्कोहल इससे भी कम होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल इससे भी कम होगा, इसका मतलब जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है तो सोल्यूबिल सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी वाटर के अंदर भी कम हो जाएगी। अल्कोहल भी वाटर के अंदर सोल्युबल है मगर उनकी भी कार्बन की तादाद बढ़ने से सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में फार्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है, तो इसमें भी कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी तो सोल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो ये, और वैसे भी हमने ये सारे टॉपिक आगे चलकर पढ़ने, ये तो मेन फीचर्स हैं, क्योंकि ये हमने आगे डिस्कस करना है, हर कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ना है कि उनकी सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर कितनी होगी, ये तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चलकर पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद है फ्लेमेबिलिटी, अच्छा देखो फ्लेमेबिलिटी का मतलब है ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें कंबस्शन होती है, ये जलते हैं और फ्लेम देते हैं, ये शोला बनाते हैं, ये तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कंबस्टेबल होते हैं, उनके अंदर कंबस्शन होती है। अच्छा, और कंबस्शन की जो सलाहियत है या फ्लेमेबिलिटी है वो कार्बन की तादाद बढ़ने से कम हो जाएगी, कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो फ्लेमेबिलिटी में कमी आ जाती है। सपोज करते हैं शुरू में गैसेस हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनकी कंबस्टन का जो कंबस्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद लिक्विड आ जाता है, लिक्विड की कंबस्टेबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद आ जाता है पैराफिन वेक्स, पैराफिन वेक्स की जो जो फ्लेमेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है कि कार्बन की तादाद बढ़ने से जो फ्लेमेबिलिटी है वो कम हो जाती है। अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा कंपाउंड है जो जिसकी फ्लेमेबिलिटी ज्यादा है, तो जिसमें कम कार्बन होंगे उसकी जो फ्लेमेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, इसका मतलब है मीथेन, मीथेन की जो फ्लेमेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, इथेन की कम होगी, प्रोपेन की कम होती जाएगी, ब्यूटेन की इससे भी कम होगी, पेंटेन की इससे भी कम होगी, हेक्जेन की इससे भी कम होगी, और आगे जो पेराफिन वेक्स है उसकी उसके भी कम हो जाएगी, ठीक
ठीक है। तो मोस्ट मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कंबस्टिबल हैं, दे बर्न विथ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ जलते हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम एंड लॉट ऑफ हीट, और हीट भी खार्ज करते हैं। उनके रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होंगे, जैसे मीथेन है प्लस ऑक्सीजन, मीथेन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, इसको बैलेंस करेंगे, इधर टू लगा दो इधर भी टू लगा दो, इसका मतलब ही रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी, हीट रिलीज होगी। अच्छा तो फ्लेमेबिलिटी जो है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अच्छा इसका मतलब है जो गैसेस हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी कंबस्टिबिलिटी ज्यादा होगी। देखो जो गैसेस हाइड्रोकार्बन्स हैं देखो गैसेस हाइड्रोकार्बन्स की जो फ्लेमेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। जो फ्लेमेबिलिटी है वो ज्यादा किसकी होगी, देन लिक्विड हाइड्रोकार्बन। इन सॉलिड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब है मीथेन जो है इसकी कंबस्टिबिलिटी ज्यादा होगी, किससे, हेक्सेन से, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोकार्बन है, और हेक्सेन से ज्यादा कंबस्टिबल जो है वो हेक्सेन की ज्यादा होगी, किससे, जो सॉलिड हाइड्रोकार्बन है जैसा पेराफिन वैक्स। जो पेराफिन वैक्स है उसकी जो फ्लेमेबिलिटी होगी वो कम होगी, तो कार्बन की तादाद बढ़ने से फ्लेमेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अच्छा उसके बाद जो है पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी, आइसोमेरिज्म। ये कल हमने डिस्कस परसों डिस्कस किया था, वैसे आइसोमेरिज्म। अच्छा देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में हैं, लाखों में हैं, उसका एक रीजन आइसोमेरिज्म भी है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है मगर उनकी जो केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं वो डिफरेंट हैं, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। जो एटम की अरेंजमेंट है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, और जिनकी वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, और समझे वो कंपाउंड ही डिफरेंट होंगे, लाजिमत है कंपाउंड ही डिफरेंट है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम है। ठीक
ठीक है। और जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ जाती है, कार्बन की तादाद बढ़ने से आइसोमरिज्म की जो तादाद है वो भी बढ़ जाती है। अगर हम सिंपली हम ब्यूटेन को देखें, ब्यूटेन को, तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है जिसमें स्ट्रेट चेन में कार्बन होते हैं चार, एक होता है आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन के जो चेन में तीन कार्बन होते हैं एक ब्रांच हो जाती है, तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हो गए। पेंटेन के तीन आइसोमर्स हैं, एक होता है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन से मुराद है पांच कार्बन की सीधी सीधी चेन बनेगी नॉर्मल पेंटेन के अंदर। दूसरा होता है आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन आपने पढ़ा होगा, आइसो पेंटेन में चार कार्बन चेन में है एक ब्रांच बन जाती है। नियो पेंटेन में तीन कार्बन चेन में होते हैं दो ब्रांचेज हो जाती हैं, तो इसका मतलब है इनका मॉलिक्यूल फॉर्मा तो सबका सेम है मगर इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म होते हैं जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सलाहियत नहीं शो करते, मतलब ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म को पहले पढ़ चुके हैं बेटा, आइसोमेरिज्म को पहले हमने डिस्कस कर चुका थे पहले भी लेक्चर के अंदर, मगर थोड़ा सिंपली मैं बता देता हूं जो आज स्टूडेंट्स नए आए हैं। देखो कंपाउंड्स डिफरेंट कंपाउंड्स, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दैट टर्म्स, इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। अच्छा वैसे आइसोमेरिज्म की आगे हमने पढ़ना है पूरा डिटेल के अंदर, यहाँ तो टर्म बताया गया कि आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन फीचर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ब्यूटेन जिसका फॉर्मूला है C4H10, H2 आइसोमर्स, ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं, ठीक है। एक है नॉर्मल ब्यूटेन, देखो नॉर्मल ब्यूटेन में चार कार्बन की स्ट्रेट चेन बनेगी, पहले कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लगेगी क्योंकि पहले कार्बन का जो है एक बॉन्ड कार्बन के साथ बॉन्डेड है और तीन वैलेंसीज इसकी फ्री है इसलिए तीन हाइड्रोजन लगेगी, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगेगी, इधर दो हाइड्रोजन लगेंगी और इधर तीन लगेंगी, तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा दूसरा होता है आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन में क्या होगा एक ब्रांच लगेगी, आइसो ब्यूटेन में क्या होगा एक ब्रांच लगेगी से, ठीक है। आइसो ब्यूटेन या इसको कहेंगे 2-मिथाइल प्रोपेन, देखो यहां से हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो इसको कहेंगे 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गई बेटा, ये तो एक एग्जाम्पल हो गई आइसोमेरिज्म की, बहुत ज्यादा मतलब आगे कहेंगे तो ब्रांचेस बहुत हैं, ठीक है। देखो आ जाता है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके बाद है स्टीरो आइसोमेरिज्म, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं आगे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा फिर
जो स्टीरो आइसोमेरिज्म, उसकी दो टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीज और ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को डिटेल में हमने आगे पढ़ना है। यहाँ पे टर्म पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी होती है। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज। जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी तो आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। जैसे मीथेन में कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, इथेन भी नहीं शो करता, प्रोपेन भी नहीं शो करता चेन आइसोमेरिज्म, मगर ब्यूटेन से आगे चेन आइसोमेरिज्म शो हो जाते हैं। ब्यूटेन में दो हैं, पेंटेन के तीन हैं, हेक्सेन के पांच होंगे, ठीक है। इस तरह कार्बन की तादाद बढ़ने से आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं वो जनरली लो होते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें वीक वंडरवाल्स फोर्स अट्रैक्शन होती है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो कम होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कोहल से, हालांकि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा अल्कोहल से। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है अमाइन से, तो जाहिर बात है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अमाइन से, ठीक है। इस तरह जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो दूसरे हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में, या सपोज कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में ज्यादा होगा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ईथर से भी ज्यादा है। या जो कार्बोनल कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर वीक वंडरवाल्स फोर्स अट्रैक्शन होती है, या वो थोड़ा लेस पोलर हैं, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा अल्कोहल के मुकाबले में या कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली लो। क्योंकि ये मोस्टली मोस्टली नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर होते हैं, हैविंग वीक वंडरवाल्स फोर्स अट्रैक्शन। इनमें वीक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। और कौन सी होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है। अच्छा, किसमें, डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन भी होती है, मतलब ये वीकली पोलर हैं,
जैसे कार्बोनल कंपाउंड्स हैं उनके अंदर। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा जिनमें हाइड्रोजन बर्निंग है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसी अल्कोहल से, अल्कोहल से अल्कोहल का ज्यादा होगा किसे? कार्बोनाइल कंपाउंड से। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब यहां पे मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूं। इनका ज्यादा होगा किसे? ईथर से। इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किससे होगा? ईथर से। ईथर से ज्यादा होगा इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इनके अंदर होती है डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ी वीकर है, ठीक है। और उसके बाद ईथर का उससे भी कम होगा। अच्छा, उसके बाद आता है अल्केन, क्योंकि अल्केन के अंदर सबके अंदर क्या होगा? वीक वन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन या लंदन डिस्पर्शन फोर्स है, जिसकी वजह से अल्केन का कम होगा इससे भी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अच्छा, अब उसके बाद जो पढ़ेंगे हम वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और इसलिए उनके जो रिएक्शंस होंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा एज कंपेयर टू आयनिक रिएक्शंस या आयनिक कंपाउंड के दरमियान जो रिएक्शंस हैं। आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान जो रिएक्शंस हैं वो फास्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान जो रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, और स्लो बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि उनकी जो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं वो हाई होती है। अच्छा, रिएक्शंस बिटवीन आयनिक स्पीशीज आर फास्ट। जो आयनिक स्पीशीज हैं AgNO3 और NaCl है, उनके दरमियान रिएक्शंस फास्ट होगा। NaOH और HCl के दरमियान जो रिएक्शन होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये फास्ट होता है। मगर ऑर्गेनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान जो रिएक्शन है वो स्लो होंगे एज कंपेयर टू आयोनिक रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद जो टॉपिक है वो है पॉलीमराइजेशन। देखो, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें पॉलीमराइजेशन होती है, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्योंकि पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस हैं, या तो उनमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, मॉलिक्यूल सिंपली ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, जैसे इथीन है।
इथीन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पॉली इथीन बना लेता है, और ये अनसेचुरेटेड है इथीन, तो इसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। या पीवीसी है, पॉली विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड की वजह से इनके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। या विनाइल एसीटेट है, विनाइल एसीटेट भी अनसेचुरेटेड है, तो इसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो इसका मतलब है अगर मोनोमर अनसेचुरेटेड है तो उनके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। अगर मोनोमर के अंदर फंक्शनल ग्रुप हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वाटर को खारिज कर देते हैं, तो ये क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो इसका मतलब है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उस बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं, और प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। उनमें एडिशन भी है और कंडेंसेशन भी है, वो कंपाउंड की नेचर पे डिपेंड करता है या मोनोमर की नेचर पे डिपेंड करता है कि मोनोमर की नेचर किस टाइप की है। अगर वो अनसेचुरेटेड है मोनोमर, तो लाजी बात है उसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, एक बड़ी चेन बन जाएगी, ठीक है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये सब एडिशन पॉलीमर हैं। अच्छा, दूसरा टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, जिसमें वाटर एलिमिनेट हो जाता है, जैसे बेकलाइट, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है, और पॉली इथाइलिन टेरिफिथेलेट, ये पॉलीस्टर है जो बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिफिथेलिक एसिड से, इनके मोनोमर है, इनमें वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन की भी आगे आगे हमने पढ़ना है टाइप, यहाँ पे सिर्फ जस्ट पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पॉलीमर बनाते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन फीचर्स में आ जाता है कि पॉलीमराइजेशन भी उनमें होती है। तो ये देखो द प्रोसेस, इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये देखो प्रोसेस है इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनको मोनोमर कहते हैं, अच्छा मोनोमर का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, मर का मतलब मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो होगा वो दूसरे के साथ मिलेगा, मतलब दो मोनोमर मिलकर डाइमर बनाते हैं, अच्छा उसके बाद ट्राइमर बन जाता है, फिर टेट्रामर बन जाता है, जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। द प्रोसेस इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर, टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स, बाय एडिशन और कंडेंसेशन प्रोसेस। एडिशन से या कंडेंसेशन प्रोडक्ट देते, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, पॉलीइथीन, देखो पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलीन, बेटा ये इथिन का पॉलीमर है, देखो इथिन जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं, ये और इथिन के एन मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इथिन के, जो क्या हो गए, पॉलीमराइज हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। इथिन इनके आपस में मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इनको हम हीट देंगे, इथिन को हम हीट देंगे अराउंड अबाउट 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक,
और तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बना लेंगे पॉलीइथीन। और इसके अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा बस, क्योंकि आपस में मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे डबल बॉन्ड के थ्रू, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया पॉलीइथीन, पॉली इथीन पॉलीमर। तो अब इसके अंदर फर्क क्या है, इसके अंदर डबल बॉन्ड से मोनोमर के अंदर, और जो पॉलीमर बना है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड से, मतलब एक इथीन का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ मिलेगा, दूसरा तीसरे के साथ मिलेगा, तीसरा चौथे के साथ मिल जाएगा, आपस में कंबाइन होते जाएंगे और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इनका, डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, दूसरी टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये तो पॉलीइथीन जो बना ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना है, क्योंकि इथीन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और बना लेंगे पॉलीइथीन। अच्छा, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेटेड, सिमिलर मॉलिक्यूल सच एज वाटर। इसमें छोटा मॉलिक्यूल जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर भी हो सकता है और कोई छोटा मॉलिक्यूल, अमोनिया भी हो सकती है, मीथेनॉल भी हो सकता है, वो रिमूव होगा। इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, तो इसकी एग्जाम्पल है पॉली एस्टर, पॉलीमर जिसका नाम है पॉली इथाइलिन टेरिफ्थेलेट। पीईटी, ई भी लिखते हैं, तो पॉली इथाइलिन टेरिफ्थेलेट ये पॉलीमर होता है पॉलीस्टर का, मतलब इसके अंदर ईस्टर लिंकेज होता है, जो लिंकेज बनेगा वो ईस्टर का होगा। अच्छा, तो मोनोमर जो मोनोमर है, एक है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसके लिए जो मोनोमर होगा वो एक इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, ये इसका मोनोमर है, एक ये मोनोमर है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल, या 1,2-ईथेन डाइओल, 1,2-ईथेन डाइओल, ये इसका मोनोमर है, 1,2-ईथेन डाइओल या इथेलिन ग्लाइकोल। अच्छा, दूसरा होता है टेरिफिथेलिक एसिड, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टेरिफिथेलिक एसिड, या 1,4-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वन कामा फोर बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखो बेंजीन की रिंग बनेगी, वन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, वन कार्बन पे, और ये फोर्थ कार्बन है जिसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो ये पहला कार्बन,
इस पे कार्बोजनिक एसिड है, दूसरा चौथे पे, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये आपस में मिल जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ये दोनों मोनोमर है, दोनों क्या है, मोनोमर है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। और इस टाइप की पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो देखो इसमें एक हमने लिया है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा लिया है टेरिफिथेलिक एसिड। टेरिफिथेलिक एसिड, ठीक है। अच्छा अब देखो इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, टेरिफिथेलिक एसिड होगा, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल आएगा, फिर टेरिफिथेलिक एसिड होगा, तो इसका मतलब भी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी इनकी। मगर मैंने तो सिर्फ दो ही लिखे हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, जैसे आपको समझाना था जस्ट मुझे। देखो यहां से इस तरह होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। अच्छा अब देखो अगर इथाइलिन ग्लाइकोल यहां पे भी आ जाता है तो यहां पे भी वाटर रिमूव हो जाएगा। यहां पे इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल आ गया, इधर भी एक इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल आ गया एक, तो यहां पे भी वाटर रिमूव होगा, इधर भी देखो वाटर रिमूव हो जाएगा। और लॉन्गेस्ट चेन बन, लंबी चेन बन जाएगी। अच्छा तो पॉलीमर को हम कैसे लिखेंगे, तो जो पॉलीमर होगा उसको हम इस तरह लिखेंगे, ओ सी एच टू, सी एच टू, फिर क्या होगा, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, फिर बेंजीन की रिंग, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ होगा, यहां पे एन लगा दूंगा, क्योंकि सिर्फ दो मॉलिक्यूल से तो ये नहीं बनेगा। पॉलीमर का मतलब है कि मेनी मॉलिक्यूल्स, मेनी इथाइलिन ग्लाइकोल, मेनी टेरिफिथेलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। मगर इसको देखो ये लिंकेज जो बना है इसको हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज, ये ईस्टर बॉन्ड है, ये जो लिंकेज है ईस्टर है। वैसे कार्बोजिक एसिड और अल्कोहल जब भी मिलते हैं आपस में तो लिंकेज जो बनता है इसको हम कहते हैं ईस्टर। कार्बोजिक एसिड और जो अल्कोहल है जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं आपस में, तो जो लिंकेज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर लिंकेज। तो इसका मतलब इस यहाँ पे ईस्टर लिंकेज बना है, और ऐसे ईस्टर लिंकेज बनते जाएंगे, यहाँ पे भी आगे बनेगा क्योंकि आगे यहां से भी बांड है। तो इसको हम कहते हैं पॉलीमर को, कौन सा पॉलीमर है, पॉली इथाइलिन टेरिफिथेलेट। इस पॉली इथाइलिन टेरिफिथेलेट से हम क्या बनाते हैं, कौन से मतलब पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो कपड़ा बनता है इसका, पॉलीस्टर का कपड़ा बनता है, पॉलिएस्टर की बैग्स बनती हैं, पॉलिएस्टर की बैग्स बनती हैं, वाटर बॉटल्स जो होती हैं वो बनती हैं इसे, जिनके अंदर बेवरेजेस मशरूबात वगैरह होती हैं, ठीक है। उनकी जो प्लास्टिक की बोतलें बनती हैं वो भी पीईटी से बनती हैं, पॉली इथाइलिन टेरिफिथेलेट। तो पॉली इथीन टेरिफिथेलेट से फेब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है वॉशिंग वेयर का। दूसरा प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं वाटर बॉटल्स, ये बनती हैं बेवरेजेस को, मतलब ये जो है मशरूबात वगैरह को रखने के लिए, मतलब पैकिंग मटेरियल के इस्तेमाल करते हैं, पैक करने के लिए जो पैकिंग मटेरियल है इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बाकी हम कल पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि काउंट रमफोर्ड ने ये बात एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर की थी कि हीट किसी भी किस्म का कोई भी फ्लूइड नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो वर्क के साथ है। उसके बाद हमने ये बात डिस्कस की कि जूल ने जो फर्दर एक्सपेरिमेंट किए उनमें ये बात कंफर्म हुई कि हीट जो होता फ्लूइड या कैलोरिक नहीं है, उसका ताल्लुक वर्क के साथ है।
ये जो वर्क होता है ये हीट की सूरत में कन्वर्ट होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि हीट का ताल्लुक जब वर्क के साथ है तो इसका मकसद है कि किसी भी चीज के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हीट एनर्जी नहीं होती। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है या कोई भी बॉडी जो गर्म होती है वो अगर हीट की वजह से नहीं है तो फिर ये कौन सी एनर्जी है जो किसी भी बॉडी को गर्म करती है या ठंडा करती है? तो इसका जवाब दिया काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट ने। मैंने आपको पहले दिन पे बताया था कि हीट की नेचर के बारे में दो थ्योरीज थी। एक थ्योरी थी कैलोरिक थ्योरी, जिसके मुताबिक हीट एक किस्म का फ्लूइड माना जाता था, और दूसरी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो जब कैलोरिक थ्योरी एक्सपेरिमेंटली जूल के एक्सपेरिमेंट के बाद गलत साबित हुई तो जो नई थ्योरी थी उसने एक और एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है या इंटरनल एनर्जी किसको कहा जाता है। देखिए, इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट था ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट पेश किया था वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने पेश किया था, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको पता है वो कहती है कि हर चीज जो होती है वो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है और हर चीज के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी थ्योरी ने एक और एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था थ्रू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी जो होती है वो हमेशा मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है, और मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी मोशन की वजह से एक किस्म की एनर्जी होती है जिस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी आप कह सकते हैं कि यही जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जीज हैं ड्यू टू देयर मोशन, उसी एनर्जी की वजह से कोई चीज गर्म होती है या ठंडी होती है। कैलोरिक थ्योरी में माना जाता था कि एक किस्म का फ्लूइड है उसकी वजह से चीजें ठंडी या गर्म होती है, जबकि जो काइनेटिक थ्योरी है उसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि ये किसी किस्म का फ्लूइड नहीं है, इसका ताल्लुक मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स के साथ है। हर बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, फिर उनमें किसी भी किस्म की मूवमेंट हो सकती है, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है, उसमें वाइब्रेशनल मोशन हो सकती है, उसमें जो है वो रोटेशनल मोशन हो सकती है। तो किसी भी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेस्ट में नहीं होते, हर टेम्परेचर पे
चाहे वो टेम्परेचर उनका कम हो या ज्यादा हो, हर बॉडी के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, और इन्हीं बॉडी के मॉलिक्यूल्स के मूव करने की वजह से उनके पास एनर्जीज होती हैं, और उन सब एनर्जीज का जो सम होता है उस सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जीज। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का मकसद है बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जीज। तो आप कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी सजेस्टेड दैट ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन बॉडी पजेस एनर्जी विच इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। या आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज कंटेंड ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज कंटेंड विद इन बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बॉडी के अंदर मौजूद हर किस्म की माइक्रोस्कोपिक एनर्जी जो भी होती है। अब यहां पे ये टर्म समझे कि माइक्रोस्कोपिक का मकसद क्या होता है। इसके अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेशन की वजह से उसके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसको भी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, रोटेशन की वजह से उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो भी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है। और अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकते हैं, तो ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की, बॉडी की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे कार मूव कर रही है, तो कार की काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी नहीं कहलाएगी, कार के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करते हैं, मॉलिक्यूल रोटेट भी करते हैं, मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन में भी हो सकता है। तो ये सब माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज हैं। आल्सो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो फोर्सेस उनके पास होती है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस जो होती है, इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती है, वो भी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की तरफ एनर्जी होती है, वो भी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है। न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी होती है, वो भी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी को आप स्ट्रिक्टली डिफाइन करना चाहें, तो हर वो एनर्जी जो किसी भी एटम के अंदर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एटम या एनी अदर एनर्जीज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विद इन न्यूक्लिया एंड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये सब के सब एनर्जीज का जो सम होता है ना, वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू द कैनेटिक एनर्जी, बॉडी के अंदर जो मौजूद एनर्जी होती है वो ये इंटरनल एनर्जी होती है। और यही इंटरनल एनर्जी जो होती है, उस इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट जो होता है वो टेम्परेचर बनता है।
अब वो कौन सा आता है, वो टेम्परेचर के टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल अंदर जो मौजूद एनर्जीज होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। या कभी कभी हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। आपके बुक के हिसाब से ये है, ठीक है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। काइनेटिक के अंदर वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल सब आ जाती है, ठीक है, इस कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसको हम कहते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर जो होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आप इसको इस तरह से कह सकते हैं सिंपली आपके बुक के हिसाब से, क्योंकि आपके बुक के अंदर जो इंटरनल एनर्जी का कहा गया है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मूवमेंट्स की वजह से या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो एनर्जीज होती है उनको इंटरनल एनर्जी कहा गया। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली हम बात करें तो बॉडी के अंदर मौजूद हर किस्म की जो एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन के थ्रू ये देख सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम अगर टिपिकली बात करें गैसेस की, तो गैसेस के अंदर फर्दर हम कहते हैं कि रियल गैसेस होती हैं और आइडियल गैसेस होती हैं। रियल गैसेस का मकसद है जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हो, भले वीक हो लेकिन एग्जिस्ट करती है। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा या अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है या रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से होती है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा है कि जब चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के वो तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स गैसेस के होते हैं उनके दरमियान ये फोर्सेस ना होने के बराबर है, लिक्विड्स में भी ये फोर्सेस कमजोर होती हैं। इसलिए आप कहेंगे कि ये जो विद इन मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एग्जिस्ट करती हैं इनकी वजह से जो उनके पास एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। और वो जो मूव करते हैं तो उसके पास केनेटिक एनर्जी होती है, केनेटिक एनर्जी कोई भी हो सकती है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल हो सकती है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकती है, ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है, उन सब का जो सम होता है वो इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे टिपिकली अगर हम कहें कि इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती नहीं है, इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट तो करते ही नहीं है। आइडियल गैस हम कहते ही ऐसे बिहेवियर को है कि जब कोई भी गैस इस तरह से बिहेव करे कि उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस न होने के बराबर हो, जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमें लगे कि इंटरनल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रही मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो ऐसी जो है वो सिचुएशन को हम कहते हैं कि गैस इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल एक बिहेवियर होता है जो कोई भी गैस शो कर सकती
सकती। जब कोई भी गैस एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करे तो हम आइडियल गैस कहते हैं, और उस पर्टिकुलर बिहेवियर के अंदर एक चीज होती है, वो ये होती है कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो। जब उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उनके दरमियान नहीं हो सकती। तो इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बॉडीज बिकम्स कोल्ड हॉट ड्यू टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी होती है, और इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, इसलिए जो है वो स्टेट फंक्शन है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है, वैसे हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो होती है ना थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हम हमेशा किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की चेंज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टोटल इंटरनल एनर्जी न मालूम करने की जरूरत है और न ही हम मालूम कर भी सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर इतने किस्मों की एनर्जीज होती हैं कि उनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए किसी बेस की जरूरत होती है। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती है जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते विद इन बॉडी। इसलिए आप ये कहेंगे कि किसी भी बॉडी के अंदर टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और न ही हमें जरूरत होती है। हम सिर्फ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि कोई बॉडी है वो हमारे पास पड़ी है, हमने उसके ऊपर जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज की है, तो वो कितनी हमने चेंज की है। तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, उसके अंदर टोटल कितनी है उसकी जरूरत नहीं है, ना मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसमें चेंज कितनी आई है उस जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेट फंक्शन इसलिए है कि इंटरनल एनर्जी की जो चेंज होती है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे हम प्रोसेसेस पढ़ के आए, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, उन प्रोसेसेस के अंदर हम ये चीज पढ़ के आए हैं। ठीक है, जब फिर पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि जब ये प्रोसेसेस होते हैं तो इनमें हीट और वर्क पाथ पे डिपेंड करते हैं, जबकि इंटरनल एनर्जी की चेंज जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। इसलिए आप कहते हो कि ये स्टेट फंक्शन है कि किसी भी बॉडी की स्टेट कौन सी है, उस स्टेट के ऊपर हमें पता लगता है इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, उसके अंदर कितनी चेंज आई है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन एंड इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पता है कि एक एक्सटेंसिव होती है और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये मास डिपेंडेंट होती है, किसी भी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा मास होगा उसके उतने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, जितने मॉलिक्यूल से ज्यादा होंगे उनके सम ऑफ ऑल एनर्जीज जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो ये स्टेट फंक्शन भी है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि कैलक्यूलेटिंग इंटरनल एनर्जी, कैलक्यूलेटिंग
इंटरनल एनर्जी इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट टोटल इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब हम किसी भी चीज को सर्टेन हाइट पे हम ले जाते हैं तो हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसकी नहीं कैलकुलेट कर रहे होते। जो MGH फार्मूला होता है वो टोटल कैलकुलेट नहीं करता, वो आपको चेंज कैलकुलेट करके देता है कि यहाँ पे पता नहीं क्या थी सरफेस ऑफ अर्थ पे, लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ पे इतनी हाइट पे आप लेके गए हो तो उसकी चेंज इतनी हुई। जैसे टेम्परेचर के अंदर भी सेल्सियस स्केल चेंज मेयर करता है, फेरेनहाइट चेंज मेयर करता है, तो इसी तरह से इंटरनल एनर्जी टोटल कितनी है किसी भी बॉडी के अंदर इसकी हमें जरूरत नहीं है, ना ही हमसे ये मेयरमेंट होगी, लेकिन हम जो प्रोसेस करते हैं उसमें कितनी चेंज हुई है वो हम मेयर कर सकते हैं, और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हमने जो प्रोसेस किया उसमें इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई है। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं। अब इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होती है? ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है वो दो तरीकों से चेंज होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होती है, ठीक है, उसको आप या तो वर्क बॉडी करे या बॉडी के ऊपर वर्क किया जा सके। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है ना बॉडी की, वो हमेशा किसी बाहर वाले जो है वो प्रोसेस की वजह से होती है, या किसी भी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर करें या किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क करें। ठीक है, बाकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस होता है वो बॉडी की इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ दो तरह से चेंज हो सकती है। हमारे पास कोई बॉडी है, हम उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करना चाहते हैं, पेन है सपोज करें, हम इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करना चाहते हैं, तो या इसको बाहर से हीट दें या इसे हीट बाहर ले लें, ठीक है, या बाहर से इसके ऊपर वर्क करें, तो ये जो बाहर का प्रोसेस होता है ना उसी की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। इंटरनल एनर्जी इसके अंदर कोई प्रोसेस हो उसकी वजह से चेंज नहीं होती। तो इंटरनल एनर्जी को आप कहोगे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय, चेंज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ हीट इन और आउट ऑफ सिस्टम। ठीक है, नंबर टू बाय वर्क, वर्क से होती है बाय सिस्टम और ऑन सिस्टम। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो दो तरह से चेंज हो सकती है, या ट्रांसफर करें हीट की इन और आउट तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और दूसरी होती है कि वर्क से, और वर्क बॉडी
करे या बॉडी के ऊपर जो है वो किया जाए, तो उसके हिसाब से जो है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आ सकती है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास, जब हम डिस्कस करते हैं कि ये एक पंजाब के बुक के अंदर, एक पंजाब और केपी के अंदर एक लाइन भी लिखी हुई है जो बहुत बच्चों को कंफ्यूज भी करती है, कि इंटरनल एनर्जी के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि टोटल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की जाए, लेकिन ये जरूरी होता है कि उसकी सिस्टम की चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की जाए। ये लाइन लिखी हुई है केपी के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है। तो आप उसको, मैंने आपको जैसे बताया कि इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर जीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि जीरो होती है जीरो केल्विन पे। ठीक है, जीरो केल्विन तो किसी का हो नहीं सकता। और जब हम कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करते हैं, तो जब हम किसी चीज को देते हैं, हीट देते हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस होता है, उसको हम हीट देते हैं, तो फिर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो इसमें कितना पार्ट ऑफ हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में गया है और कितना पार्ट ऑफ हीट जो है वो वर्क में गया है। तो हमारे लिए चेंज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हमने जो दिया उसका कितना हिस्सा चेंज में गया और कितना हिस्सा वर्क में गया। तो वो जो लाइंस हैं उनका मकसद यही होता है। अब इंटरनल एनर्जी की चेंज के लिए हमारे पास दो साइन कन्वेंशंस हैं, जिनको हम कहते हैं साइन कन्वेंशंस अबाउट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो अब हम करेंगे कि हमारे पास हैं साइन कन्वेंशंस अबाउट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में साइन कन्वेंशन से। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है कि इंटरनल एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये एक जनरली चेंज का फार्मूला है। अब इसमें दो कंडीशंस आती है, पहली ये कि डेल्टा यू इज पॉजिटिव, ठीक है, इफ इंटरनल एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी इनिशियल, मींस किसी भी बॉडी को हीट दे और उसका टेम्परेचर बढ़े तो मतलब उसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो गई। तो जब हम किसी भी चीज को हीट देते हैं और वो चीज गर्म होती है, तो फाइनल ज्यादा होती है और इनिशियल कम होती है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो ये होता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव इफ फाइनल जो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी फाइनल लेस देन इंटरनल एनर्जी इनिशियल। जब किसी भी बॉडी से किसी भी बॉडी को ठंडा करते तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो होती है वो निगेटिव होती है, और जब किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आप कह सकते हैं कि कैनेटिक थ्योरी ने ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, और कैनेटिक थ्योरी के मुताबिक किसी भी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेस्ट में नहीं होते, उन मॉलिक्यूल्स के पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये जो स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी होती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव भी करते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स की इंटरनल फोर्सेस भी आ जाती है, इन्हीं की वजह से कोई बॉडी गर्म होती है और इन्हीं की वजह से कोई बॉडी ठंडी होती है। बॉडी के ठंडा होने और गर्म होने का जो रीजन होता है वो यही इंटरनल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट आया, ये दिया था कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने। ठीक है, तो फिर हीट क्या है? ठीक है, अगर हम कहते किसी भी बॉडी के अंदर जो कंटेन्ड एनर्जी है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो हीट, सॉरी, इंटरनल एनर्जी है, तो फिर हीट एनर्जी क्या है? देखिए, मैंने आपको वर्क के बारे में एक बात बताई थी लास्ट टाइम, ठीक है, कि वर्क जो होता है वो एक प्रोसेस होता है,
कि जिसको करके वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी कि सपोज करें हमारे सामने एक बॉडी पड़ी, हम चाहते हैं कि वो बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन करे, तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगी तो हमें उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करे। अब ये जादू में तो हो सकता है कि कोई बॉडी सामने पड़ी है और हम वो सोचें और वो मूव कर ले, ऐसे तो प्रैक्टिकली तो नहीं होता, फिजिक्स के अंदर तो ऐसे नहीं होता। तो अगर हम चाहते हैं कि वो बॉडी मूव करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो जो एनर्जी हम देते हैं ना, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी, तो वो वर्क की सूरत में ट्रांसफर होती है। वर्क एक ऐसा प्रोसेस होता है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वर्क का इसके सिवा कोई रोल नहीं होता, वर्क एक इंटरमीडिएट प्रोसेस। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट तय होगा, तो इसका मतलब है मैं अपनी बॉडी की एनर्जी फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट तय करवा के उस बॉडी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो इसी तरह से जो हीट होती है उसका ताल्लुक वर्क के साथ है। तो जो काम मैकेनिक्स के अंदर वर्क करता है वही काम थर्मोडायनेमिक्स में हीट करती है। ठीक है, अब मैकेनिक्स में वर्क कौन सा काम करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर करना। बॉडी के अंदर वर्क नहीं होता, लेकिन जब बॉडी वन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाता है तो वो वर्क से गुजर के फिर दूसरी एनर्जी बनता है। ठीक है, इसी तरह से जब किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी, एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जब एक बॉडी से ट्रांसफर होके दूसरी बॉडी में जाती है तो ये जो ट्रांसफर होके जाती है उसको हम हीट कहते हैं। हीट एक वर्क की तरह इंटरमीडिएट प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होके दूसरी बॉडी में जाती है। आप ये कह सकते हैं कि जब एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी किसी और बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है तो ये बीच में जो ट्रांसफर वाला प्रोसेस होता है ना उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी की सूरत में ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। जिस तरह से मैकेनिक्स के अंदर किसी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को वर्क की सूरत में डाल के दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते, इसी तरह से इंटरनल एनर्जी जब चेंज होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो ये जो चेंज होती है, ये जो ड्यूरिंग ट्रांसफर जो प्रोसेस हो रहा है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। जब तक दो बॉडीज के दरमियान एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो हीट एनर्जी है, जब ट्रांसफर बंद हो गया तो वो इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो आप कहोगे कि हीट एनर्जी का मकसद है, अब हीट एनर्जी को आप किस तरह से कहोगे, हीट एनर्जी का मकसद है एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, जब एक बॉडी से एनर्जी दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नॉट नॉट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर नहीं होती, ये टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होती है। ठीक है, जिस तरह से पानी का फ्लो होता है वो इस वजह से नहीं होता
एक साइड पे पानी ज्यादा है, दूसरी साइड पे कम है। ये इसलिए होता है कि एक पानी की अगर आप पोटेंशियल एनर्जी हाई है, दूसरे पानी की पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो पानी हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू द लो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। जैसे समंदर है, बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन एक जग है, उसको ऊपर रखे और उस जग में होल करें, तो जग का पानी जो होगा वो समंदर में फ्लो करेगा। जग से एक पाइप लगाए समंदर में, तो समंदर का पानी पाइप से जग में नहीं आएगा, जग का पानी जो होगा वो समंदर में जाएगा। इसलिए कि जग के अंदर पानी तो थोड़ा है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि वो हाइट पे है, इसलिए पानी फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से जब एक बॉडी है, उसकी इंटरनल एनर्जी है, दूसरी बॉडी में ये ट्रांसफर होती है, तो ये जो ट्रांसफर होती है ये ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस होती है, इसलिए नहीं होती कि इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से। जैसे एक बॉडी है, सपोज करें एक बड़ी बॉडी है और एक छोटी बॉडी है, इसके अंदर अगर आप मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है, और ये छोटी बॉडी है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़े हैं, जाहिर सी बात है इसके पास मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एनर्जी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ज्यादा एनर्जी है, और कम मॉलिक्यूल्स है कम एनर्जी है। लेकिन अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर है, अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर है, तो इसके अंदर ज्यादा इंटरनल एनर्जी होने के बावजूद भी इसकी तरफ फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। जो टेम्परेचर अगर डिफरेंस है ना, तो इंटरनल एनर्जी फ्लो करेगी, और वो फ्लोइंग एनर्जी क्या होती है, वो होती है, अब इसके अंदर जब टेम्परेचर इक्वल होता है, नो हीट एनर्जी, जबकि अगर इसमें ज्यादा होती और इसका इस तरह से होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इसका सपोज करें इसका टेम्परेचर T1 है 30 डिग्री सेल्सियस, एक और बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है 100 डिग्री सेल्सियस, तो भले इसके अंदर इंटरनल एनर्जी कम है, लेकिन ये इस तरफ फ्लो करेगी, और ये फ्लोइंग एनर्जी जो होती है इसको हम कहते हैं हीट एनर्जी, ठीक है। ये होती है हीट एनर्जी, कि जब कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है, और वो इंटरनल एनर्जी की ट्रांसफर जो होती है वो हीट एनर्जी कहलाती है। अब इसके अंदर एक इंटरनल एनर्जी के बारे में एक इस चीज को आप देख लें, ठीक है। ये एक जो है वो आपको पता है कि मुख्तलिफ चीजें आपके पास होती है, एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेस होती है। मैंने आपको बताया इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस भी होती है, जिसको इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं, रोटेशनल एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जीज भी होती हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक चार्ट दिया गया है, ये व्हाइट पार्ट रिप्रेजेंट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या मॉलिक्यूल्स, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, उसका ज्यादा हिस्सा ड्यू टू द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि सॉलिड के अंदर ज्यादा इंटरनल एनर्जी होती है। इसका देखें ये बार जो है वो बहुत बड़ा है, इसका मकसद है सॉलिड के अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी का भी ज्यादा हिस्सा किसका होता है, सॉरी, सॉलिड के अंदर ज्यादा इंटरनल एनर्जी होती है, उस इंटरनल एनर्जी का ज्यादा हिस्सा किस चीज का होता है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसके अंदर ये कौन सी है, वाइब्रेशनल रोटेशनल मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज की वजह से इतना पार्ट होता है इंटरनल एनर्जी का, और तीसरा किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो, सॉरी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये होती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके अंदर सिर्फ दो किस्मों की इंटरनल एनर्जी होती है, एक होती है रोटेशनल और वाइब्रेशनल, और दूसरी होती है ट्रांसलेशनल। ये पोटेंशियल एनर्जी गैसेस के अंदर होती नहीं, क्योंकि गैसेस के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती है। और अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है, तो
तो मोनोएटॉमिक गैस का मालिक्यूल होता नहीं जो डायपोल मोमेंट वगैरह हो उसके अंदर वो मूव करें, ऐसे होता नहीं है। तो जो मोनोएटॉमिक गैस होती है ना उसके अंदर मालिक्यूल रोटेट और वाइब्रेट भी नहीं करते, वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गैसेस के अंदर या सॉलिड के मालिक्यूल्स के अंदर जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो तकरीबन इक्वल होती है, जबकि मालिक्यूलर गैस और जो सॉलिड होता है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, मालिक्यूलर गैस और सॉलिड या लिक्विड के अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है, लेकिन सॉलिड या लिक्विड के अंदर एक इजाफी कंपोनेंट होता है इंटरनल एनर्जी का, जो इजाफी कंपोनेंट होता है इंटरनल पोटेंशियल वो सबसे ज्यादा वो होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास इंटरनल एनर्जी और हीट। इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं टेम्परेचर को।